डैमेज है पूरी दोनों, ये डैमेज है, ये डैमेज है। गरी सर लेग है ना? हाँ गरी सर लेग। तो जैसलमेर के महाराजा नहीं बनवाई थी, मन मेड चाहिए थी। और गरीसर लेक का शानदार व्यू, लाइट की थोड़ी कमी है यहाँ पे। दुनू हाय करते, हाय करते, हाय हाय आए कल दोनों। इधर 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 कैमरे की तरफ। गड़ी सर लेक का हमारा बोटिंग एक्सपीरियंस। और ये है सोनारगढ़ किले का नाइट का ये व्यू, अच्छे से सजाने की कोशिश की गई है। जैसा कि मुझे पता चला है कि एक लौता गेट है और यहीं से जाते हैं, यहीं से चार गेट है, ज़्यादा ऊपर है नहीं। वैसे आप लोग जा सकते हैं। हमने ऑटो के गड़ीसर लेक से करीबन 120 रुपये दिए थे। और मैं अभी पहुंच चुका हूं जैसलमेर फोर्ट के टॉप से। यहां पर टॉप व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जो फोर्ट है, एक लिविंग फोर्ट है, यहाँ पे लोग बाग रहते हैं। और जो नॉर्मल फोर्ट्स हैं उनके जैसे ही यहाँ पर आने के रास्ते हैं। छोटा सा वॉक टू अभी दूंगा, बट दिस इज और ये वो टॉप व्यू का रास्ता जहाँ से अभी हम होकर आए। और ये आप देख सकते हैं लिविंग फोर्ट है ये, बहुत घरों की जगह। बैग्स, डिफरेंट टाइप के बैग्स। हम लोग एक लिविंग फोर्ट के अंदर से जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लोग बाग रहते हैं, शॉप्स हैं, बिजनेस करते हैं। जो दिया हुआ है ये येलो सैंडस्टोन, जिस पे पूरा का पूरा ये फोर्ट बना है, सनाम सोनागर फोर्ट। ये येलो स्टोन, येलो सैंडस्टोन। अब आए हैं सी जी एक्सीलेंसी रेस्टोरेंट, जो कि
हनुमान चौराहे से थोड़ा सा दूर पड़ता है। हमको आते आते काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गया है, 8:30 बज चुके हैं, लेकिन हमको कुछ ऑटो नहीं मिला है, इसके वजह से हम पैदल पैदल हमको आना पड़ा है। गाड़ी थी मैंने होटल में ही रख दी थी, क्योंकि शहर थोड़ा छोटा है तो मेरे को लगा पार्किंग में काफ़ी दिक्कत होगी। फोर्ट हम गए, फोर्ट डेफिनेटली बहुत यूनिक है और वहाँ पे लिविंग फोर्ट है, इकलौता ऐसा फोर्ट है तो मेरे नॉलेज में, काफ़ी अच्छा भी लगता है। बट और ये हम श्री जी एक्सीलेंस में बैठे हुए हैं, पनीर अंगारा ऑर्डर करा है और ये कुछ इस तरीके से है, इंडियन सिज़्ज़लर, इंडियन सिज़्ज़लर जैसा फील दे रहा है, आपको कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग, ये है मॉर्निंग व्यू फ्रॉम माय होटल, दिस ब्यूटीफुल फोर्ट। कल तो हमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को मिला नहीं फोर्ट में, हमें टॉप नहीं देखा था, बट अब बोल सकते हैं मॉर्निंग में जगह ही खूबसूरत होती है और यहाँ की भी बहुत खूबसूरत है। ये मॉर्निंग व्यू है मेरे होटल से, ये डे टू है हमारा आज, और आज का हमारा प्लान है कि सबसे पहले हम तनौट जाएंगे, वहाँ से हम लौंगे वाला जाएंगे और देन हम फाइनली शाम में पहुँचेंगे रेगिस्तान में। तो फाइनली मैं वहाँ पहुँचूँगा जहाँ बचपन से मैं सुनता आया हूँ कि तुम रेगिस्तान से आए हो, हालांकि मैंने कभी रेगिस्तान देखा नहीं इससे पहले, तो आज वो दिन होगा जहाँ हम रेगिस्तान देखेंगे। और ये हमारा होटल स्काई प्लाजा, इट्स अ गुड नाइस होटल विद नाइस रूम्स विद रीजनेबल रेट्स। तो मैं यहाँ पर हूँ इस वक्त होटल स्काई प्लाजा जैसलमेर में, और हमारा ये स्टे काफ़ी अच्छा रहा है, और मेरे साथ हैं दिनेश जी। तो दिनेश जी प्लीज़ थोड़ा सा होटल के बारे में बताएंगे आप? हमारा होटल क्या एकदम मामले वही का मयूर का पास में है, हमारा टोटल रूम है 22 रूम, जिसमें क्या दो टाइप के रूम है, एक हेरिटेज प्लाजा एक रॉयल प्लाजा। हेरिटेज प्लाजा का रेट है हमारा 4,225 रुपये और रॉयल प्लाजा का रूम है 3,875 रुपये। ठीक है, बाकी कस्टमर आते हैं तो आप थोड़ा सा डिस्काउंट तो उन्हें देंगे? हाँ, थोड़ा डिस्काउंट रहता है। तो मैंने भी ये होटल इसलिए लिया था क्योंकि ये बिल्कुल आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल मेन रोड के पास में, अगर मैं लोकेशन दिखाऊं यहाँ से, बाकी रूम तो आपको मिल ही जाएगा रूम टूर तो देखिए आप बिल्कुल मेन रोड पे है और पार्किंग एंट्री खुद की, तो ऐसा कुछ आपको दिक्कत होगी नहीं।